मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बोली से अब्बा जान वाला तंज निकला तो ये ध्रुवीकरण वाली सियासत की धुरी बन गया। विपक्ष का आरोप है कि योगी आदित्यनाथ चुनाव से पहले हिंदू और मुसलमान करने के लिए अब्बा जान वाला बयान दे रहे हैं। ऐसे में यूपी में मुस्लिम वोटों के उस गणित को भी समझना जरूरी है जो अब्बा जान वाली सियासत का सार है। अब्बाजान योगी आदित्यनाथ के जुबान से निकला ऐसा शब्द जिस पर यूपी में सियासी घमासान छिड़ गया है। यूपी के चुनावी दंगल से पहले हर पार्टी हर नेता अपने हिसाब से इस शब्द की व्याख्या कर रहा है। कोई इस शब्द को धर्म के तराजू से तौल रहा है, कोई इसे ध्रुवीकरण वाली राजनीति के पैमाने पर परख रहा है, तो कोई इसे तुष्टिकरण वाली राजनीति पर तंज बता रहा है। लेकिन अब्बाजान शब्द की सियासी व्याख्या से पहले बड़ा सवाल ये कि आखिर योगी आदित्यनाथ अब्बाजान शब्द का इस्तेमाल विरोधियों पर वार के लिए क्यों कर रहे हैं और क्यों योगी का ये वार इतना तीखा है कि विरोधी भी बिना जवाब दिए नहीं रह पा रहे और ऐसे बयानों को सरकार के नाकामी छिपाने का तरीका बता रहे हैं। इस सरकार के मुख्यमंत्री जी और सरकार वो काम नहीं बता सकती जिसका वो शिलान्यास किया हो और उसी का उद्घाटन कर रहे हो। अपनी पार्टी के नेताओं को भी सम्मान देने के लिए इनके पास काम नहीं है और अगर कोई काम चुरा रहा है तो समाजवादियों का काम चुरा करके अपने नेताओं के नाम लिखते हैं। दरअसल अब्बाजान वाली पॉलिटिक्स के पीछे पूरा गणित यूपी के मुस्लिम वोटों का है। समाजवादी पार्टी समेत सभी विपक्षी पार्टियां मुस्लिम वोटों को अपने पाले में लाने की कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी की आबादी में 19.26% मुस्लिम है। यूपी में मुस्लिम आबादी 4 करोड़ के करीब है। इतनी बड़ी आबादी का साफ मतलब है बड़ा वोट बैंक, जो कई सीटों पर किसी पार्टी की जीत की हार तय करने का अहम फैक्टर बन सकता है। यूपी की 145 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटरों का अच्छा खासा असर है। प्रदेश की 70 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम 20-60% तक हैं। मुस्लिम प्रभाव वाली ज्यादातर सीटें पश्चिमी यूपी में हैं। इन्हीं मुस्लिम वोटों के दम पर ओएसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में पैर जमाने की कोशिश में लगी है और ओएसी हर रैली हर सभा में यूपी में मुस्लिमों के हाल पर योगी सरकार से सवाल कर रहे हैं। आपने मुसलमानों का ड्रॉप आउट रेट कंट्रोल करने के लिए क्या किया? 60% ड्रॉप आउट रेट है उत्तर प्रदेश मुसलमानों का। 2% ग्रेजुएट होते हैं, 3% 12th पास करते हैं। कितने घर दिए मुसलमानों को आपने? 10 दिए। पूरे उत्तर प्रदेश को आए कितने? 1600 करोड़ आए उत्तर प्रदेश को माइनॉरिटीज के लिए, जिसमें से आपने सिर्फ 16 करोड़ खर्चा किए। झूठ पे झूठ इनकी। मुस्लिम वोट बैंक वाली इसी राजनीति को लेकर योगी आदित्यनाथ इशारों इशारों में विरोधियों पर तंज कस रहे हैं और अपने हमलों के लिए अब्बाजान जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। उधर ओएसी के एंट्री के बाद यूपी में मुस्लिम वोटों की लड़ाई और ज्यादा बढ़ गई है। बीते विधानसभा चुनाव में यूपी में 24 मुस्लिम विधायक बने, जिसमें सबसे ज्यादा 17 मुस्लिम विधायक समाजवादी पार्टी के रहे। लेकिन यूपी में प्रचार के साथ साथ बार बार ओएसी मुसलमानों की नुमाइंदगी का मुद्दा उठा रहे हैं और इस बहाने अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को भी निशाने पर ले रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, या फिर कांग्रेस हो, या बीजेपी हो, इनको एक ही बात की तकलीफ है कि पूरे भारत में मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल लीडरशिप ना बने। मैं यहाँ पर अपनी शोहरत के लिए नहीं आया, अल्लाह जानता है, मैं आपको नेता बनाने के लिए आया हूँ। अब्बाजान वाली राजनीति ने पूरे यूपी में सियासी हलचल बढ़ा दी है। हालांकि मुस्लिम धर्मगुरु सियासत में ऐसी भाषा के इस्तेमाल पर एतराज जता रहे हैं। अब से पहले भी माननीय योगी जी ने इस लफ्ज का इस्तेमाल किया था सपा मुखिया मुलायम सिंह के लिए, लेकिन जैसे जैसे अब चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और मैं समझता हूँ इनकी जमीन खिसकती जा रही है, जिन वादों को जिन मुद्दों को लेकर ये आए थे उनको इन्होंने किसी भी काम को पूरा नहीं किया, तो अब ये इस तरीके के अल्फाज या इस तरीके की बातें करके ये चुनावी माहौल तैयार करना चाहते हैं अपने लिए। पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके मुंह से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना गैर दानिशमंदी है और
मुख्यमंत्री जी को तो ये बताना चाहिए कि हमने 4 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कितने काम कराए, जनता को बताना चाहिए, इस तरह की बयानबाजी से परहेज करना चाहिए। अब्बा जान को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी महाभारत छिड़ गई है। इस विवाद के बीच हर कोई अपने हित के हिसाब के जवाब दे रहा है, क्योंकि सबको फिक्र है मुस्लिम वोटों की, जो चुनावी गणित में जीत के लिए अहम है। आज तक ब्यूरो।